झारखंड में सत्ता के करीबी कारोबारी प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकाने पर चल रही ईडी की छापामारी के दौरान दो AK-47 राइफलें बरामद की गई हैं। AK-47 की बरामदगी की खबर फैलते ही प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पारिवारिक मित्र अमित अग्रवाल जी के सहयोगी प्रेम प्रकाश जी के यहां सूत्रों के अनुसार ईडी ने AK-47 बरामद किया है, यानी वह आतंकवादी व नक्सलियों का सरगना है। NIA को इस मामले की जांच अपने हाथ में लेनी चाहिए। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार CM हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से हुई पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को कई इनपुट्स मिले थे, जिसके आधार पर अवैध खनन से जुड़े मामले पर कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि प्रेम प्रकाश की राज्य की सरकार में कितनी ऊंची पहुंच रही है, ये हर कोई जानता है। अब उसके आवाज से AK-47 की बरामदगी इस बात का सबूत है कि राज्य में सत्ता किस तरह के लोग चला रहे हैं। प्रेम प्रकाश को झारखंड के सत्ता के गलियारे में पावर ब्रोकर के रूप में जाना जाता है। ईडी की टीमों ने उसके और उसके करीबियों के 18 ठिकानों पर बुधवार सुबह से छापामारी शुरू की है। इसके पहले 25 मई को भी उसके आधा दर्जन ठिकानों पर छापामारी में कई कीमती सामान बरामद किए गए थे। एक कंबोडियन कछुआ भी उसके घर से मिला था, जिसे बाद में एक चिड़ियाघर को सौंप दिया गया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।